गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। नमस्कार साथियों, आप सभी देशवासियों को मैं रितिका त्रेहन, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रमुख प्रवक्ता, देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। भारतवंशी होने के नाते ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम आज़ादी के अमृतकाल के गवाह बने और अब देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। पिछले वर्ष हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा लहराने की मुहिम शुरू की थी और पूरे देश ने रिकॉर्ड बनाते हुए एक साथ अपने अपने घरों, अपने अपने कार्यालयों में भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक हमारा प्यारा तिरंगा लहराया था। इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हर घर तिरंगा लहराने का नया रिकॉर्ड बने, देश के एक एक वासी के अंदर देश प्रेम की भावना खूब उमड़े और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब ये भी वचन लें कि चाहे कुछ भी हो, हमारा राष्ट्र, हमारा देश सबसे पहले है और ये सदा सबसे पहले ही रहेगा। और मैं ये दुआ करती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से बीते हुए 4 सालों में जम्मू कश्मीर सही मायने में आज़ाद महसूस कर रहा है, ये खुशी सदा बरकरार रहे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चमक आज पूरी दुनिया देख रही है, ये चमक सदा बरकरार रहे। जम्मू कश्मीर की महिलाओं की आज़ादी सदा बरकरार रहे। मैं सभी देशवासियों से अंत में ये अपील करना चाहूँगी कि देश की जिम्मेदारी हमारे हाथों में है, हमें आपस में मिलजुल कर सौहार्द बनाकर, शांति बनाकर और प्रेम बनाकर भारत को विश्व गुरु बनाना है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।